हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा फॉर स्वीडन। प्रीवियसली ऑस्ट्रिया और जर्मनी जॉब सीकिंग वीज़ा ऑफर करता था, लेकिन ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट लेना, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप स्वीडन का जॉब सर्च वीज़ा और उसकी एप्लीकेशन को देखें तो वो बहुत ही सिंपल है और एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इट मींस यू डोंट हैव टू वेट फॉर अपॉइंटमेंट। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। नो इट्स टाइम टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो वैलिड पासपोर्ट है। जिस भी ड्यूरेशन के लिए, 3 से 9 महीने की ड्यूरेशन के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी ड्यूरेशन के लिए आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ताकि अगर एप्लीकेशन पे अगर 1 से 3 महीना लगता है तो उसके बाद के जो 9 महीने हैं उसके लिए भी आपका पासपोर्ट वैलिड हो, ताकि आपको मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है 9 मंथ उसके लिए वीज़ा मिल जाए। उसके बाद सेकंड आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपको 13,000 स्वीडिश क्राउन 1 मंथ के लिए शो करने होते हैं। तो 9 मंथ का वीज़ा होता है, तो आप इसको 13,000 स्वीडिश क्राउन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 13,000 फॉर टिकट, फॉर रिटर्न टिकट। तो इन टोटल यू हैव टू शो बैंक स्टेटमेंट ऑफ 1,30,000 स्वीडिश क्राउन। ये बैंक स्टेटमेंट आप शो कर देंगे, आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। फंड्स चाहे आपने 1 डे बिफोर एप्लीकेशन सबमिशन ट्रांसफ़र किए हैं, इट्स ओके, क्योंकि मैं खुद स्वीडन में जब गया था तो मैंने फंड्स जो हैं वो तकरीबन 2-3 दिन पहले ट्रांसफ़र किए और वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया। अभी तक जो लोग आ रहे हैं वो इसी तरह से फंड्स जो हैं वो अपने कुछ देर पहले ही ट्रांसफ़र करते हैं, इवन 1 वीक बिफोर एप्लीकेशन और 1 मंथ, इट डजेंट मैटर। आपकी जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में रिक्वायर्ड अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शन कौन कौन से हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक कॉन्सेंट फॉर्म होता है। कॉन्सेंट फॉर्म इसलिए दिया जाता है कि आप एक ऑथराइजेशन देते हैं स्वीडिश काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन को, कि वो आपके, आपकी जो कंट्री है उसके अंदर हायर एजुकेशन या दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉन्टेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सके। तो ये कॉन्सेंट फॉर्म आप देंगे और डिजिटल कॉपी ऑफ ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक अंटिल एडवांस लेवल ऑफ डिग्री, उसके ट्रांसक्रिप्ट की भी और डिग्रीज की भी आपने डिजिटल कॉपी एक बना लेनी है। लास्ट है आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्सेंट फॉर्म और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, इन सब के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अभी आपको मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन और ये कॉन्सेंट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है, जिस जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है और आप इजीली एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं स्टार्ट ऑफ वीडियो में, वो सारे डॉक्यूमेंट अगर उस फॉर्म में हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस वेबसाइट के बारे में कि इस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यू कैन चेक दिस वेबसाइट, रीड ऑल द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं वो सारे आप रीड कर लें, ताकि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो ना, आपने खुद सबमिट करनी है और इसको सब सारी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है मेरी वीडियो देखने के बाद। तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो कॉपीज़ आपने डिस्क्लोज करनी है वो फ्रंट पेज करना है, जिसमें आपका सारा डाटा है, और एक दूसरा पेज होता है जिसमें आपके सिग्नेचर होते हैं। तो ये 2 पेज आपने स्कैन करने हैं। उसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यू हैव टू राइट योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उसके बाद डेट, सिग्नेचर,
इसको आप अपना नाम और डेट लिख के इसकी एक प्रिंट निकाल लें, सिग्नेचर कर लें और उसको स्कैन कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी बहुत ही सिंपल है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मैं सिंपली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि केस नंबर और सिग्नेचर आपने नहीं, इस पर कुछ नहीं टाइप करना या कुछ भी नहीं मेंशन करना। इधर से आपने कर देना है टिक और यहाँ पे पीरियड लिख देना है। तो मैं सजेशन ये दूंगा 9 मंथ का ही करें, और जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उससे 3 महीने बाद का करें, ताकि 3 महीने आपके पास हों वीज़ा लगने के और फ्लाई करने के। लाइक फॉर एग्जांपल, आज आपने एप्लीकेशन सबमिट की है तो यहाँ पे जो डेट मेंशन करनी है वो मेंशन करनी है आज से 3 महीने की, लाइक सितंबर अक्टूबर नवंबर, 26th of November को आप या 1st December का आप मेंशन कर दें, तो 3 महीने का गैप रखें। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपका सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एवरीथिंग, इट्स वेरी सिंपल। फिर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर आपने अपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है उसके बारे में क्वेश्चंस है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से कितनी दिखा रहे हैं, वो सारा लिखना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं जो उसके ऑप्शंस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप पहले स्वीडन के अंदर या किसी शेंजन कंट्री में रहे हैं उसके बारे में मेंशन करना है, अपनी स्टडीज के बारे में और फ्यूचर प्लान के बारे में। और अगर कोई और आपके इंफॉर्मेशन है जो आप समझते हैं कि हेल्पफुल होगी फॉर माय एप्लीकेशन, वो डिस्क्लोज करें। लेकिन एक कीप वन थिंग इन योर माइंड, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे आपका केस जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, उसको ना मेंशन करें। जो पूछा गया टू द पॉइंट वो बताएं। अगर एक लाइन में जवाब देना है, एक लाइन में दे दें, दैट्स इट। आई हैव डन 2 वीजा एप्लीकेशन इन माई 4 ईयर, 1 फॉर स्वीडन, 2 फॉर जर्मनी, और दोनों मैंने खुद हैंडल की और टू द पॉइंट बात की, और मुझे दोनों टाइम वीजा मिला और एक एक महीने में मिला। उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, और इस सारे जो फॉर्म है इसका प्रिंट निकाल के जो सिग्नेचर करके इसके स्कैन कर लेना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हो यू कैन इनिशिएट द एप्लीकेशन। यहाँ पे ऑप्शन है ई सर्विस फॉर रेजिडेंस परमिट, द सेम वेबसाइट विच आई एम गोना मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे अप्लाई का बटन होगा, उसको आपने क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे बैंक आईडी, मोबाइल बैंक आईडी और बैंक आईडी, क्योंकि आप स्वीडन में नहीं रहते हैं, ये उनके लिए जो स्वीडन में रहते हैं। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड, आपने इस पे क्लिक करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे लॉग इन होते हैं तो सबसे पहली जो बात आपसे पूछी जाएगी, आर यू कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर योरसेल्फ और समबडी। तो ये ऑप्शंस है, लाइक आप खुद करें, मेरी रिकमेंडेशन यही है, तो आई एम सिलेक्टिंग ऑप्शन ऑफ आई एम कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर माई सेल्फ। उसके बाद आपने द मिनिमम पीरियड मस्ट बी 3 मंथ्स और मैक्सिमम 9 मंथ, यहाँ पे आपने जो पीरियड है वो मेंशन करना है, कितने महीने के लिए आप जाना चाहते हैं। तो 9 मंथ का मैक्सिमम के लिए अप्लाई कर दें। इस तरह कैलेंडर को खोल लें, उसमें से डेट्स सेलेक्ट कर दें, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने आगे का ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो मैं दिसंबर का सेलेक्ट कर रहा हूँ, December 1st से। तो यहाँ पे आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है वो, यानी पर्सनल डेटा के बाद आपको बाकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 1 से 3 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही रिजल्ट आए आप अपनी जो फ्लाइट बुक करें और स्वीडन आ जाएं। लेकिन इस पीरियड के दौरान आप जॉब्स अप्लाई करते रहें, एज मैनी जॉब्स एज यू कैन।